डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो आपका सॉलिड ज्योमेट्री का मैथ है। तो सॉलिड ज्योमेट्री के अंदर मैंने आपको वैसे तो बहुत सारे लेक्चर प्रोवाइड करा रखे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी कि सर इसके मैंने वैसे तो मेथड बता दिया था, स्पेयर का जो चैप्टर है आपका 6 चैप्टर उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज का मैंने मेथड बता रखा था आपको, ठीक है, लेकिन फिर भी बच्चे बोल रहे हैं कि सर क्वेश्चन जो है पूरे सोल्व करवा के बताइए, यानी कि हर क्वेश्चन जो है सोल्व कीजिए एक्सरसाइज का। तो आज हम क्या करेंगे, इसके जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो एक बात और, जो भी लेक्चर हम प्रोवाइड कराते हैं आपको, अगर उसका आपको बेनिफिट होता है तो आप लेक्चर को शेयर किया करो, ठीक है। अगर लेक्चर शेयर करोगे तो और बच्चों को भी उसका बेनिफिट मिल पाएगा, ठीक है। तो देखो मैंने आपके इसके 3 क्वेश्चन करवा दिए थे, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखे हैं आपको, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या है तो देखो क्या बोल रखा है कि ए इज ए पॉइंट, ए पॉइंट आपको दे रखा है 1, 2, 1, 3, 4 एंड बी इज द पॉइंट, और बी भी आपको पॉइंट दे रखा है 1, -2 और -1। ए पॉइंट पी मूव सच दैट, एक पॉइंट है पी, देखो मैं इनको लिख लेता हूँ, एक ए पॉइंट आपको दे रखा है वो है 1, 3, 4 और बी पॉइंट आपको दे रखा है 1, -2 और -1, ठीक है। ए पॉइंट मूव, ए पॉइंट पी मूव सो दैट 3PA = 2PB, ठीक है, इस प्रकार मूव कर रहे हैं ये। और प्रूव दैट द लोकस ऑफ द पी इज स्पेयर, स्पेयर की इक्वेशन आपको दे रखी है, इक्वेशन है आपकी x² + y² + z² - 2x - 14, y - 16, z + 42 = 0। वेरीफाई दैट, और हमें ये वेरीफाई भी करना है, देखो स्पेयर की इक्वेशन हमें ये लेके आनी है, ठीक है, फिर वेरीफाई दैट, वेरीफाई भी करना है, द स्पेयर डिवाइड ए बी इंटरनली एंड एक्सटर्नली इन द सेम रेशियो, यानी कि जो स्पेयर है वो इंटरनली में भी और एक्सटर्नली में भी क्या कर रहा है, सेम रेशियो के अंदर इसको डिवाइड करता है। तो देखो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पहले तो हम ये इक्वेशन लेके आएंगे, आपको दे रखा है 3PA = 2PB, ये दे रखा है। अगर हमारे पास पी पॉइंट मिल जाए तो मैं मान के चलता हूँ कि लेट पी पॉइंट आपके पास दे रखा है XYZ, ठीक है, तो XYZ आपको आपके पास पी पॉइंट है, ए आपके पास दे रखा है, बी आपके पास दे रखा है, तो हम 3PA = PB निकाल लेंगे, ठीक है, या फिर दोनों साइड स्क्वेयर कर देंगे, क्योंकि पी ए की वैल्यू निकालेंगे तो रूट आएगा और रूट का फिर हम स्क्वेयर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर दोनों साइड स्क्वेयर करने पर हमारे पास 9PA का स्क्वेयर हो जाएगा = 4PB का स्क्वेयर हो जाएगा। अब 9 तो एज इट इज, पी ए का स्क्वेयर निकालेंगे तो पी ए कैसे निकालेंगे, पी में से इसको माइनस कर देंगे, यानी कि डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, रूट करेंगे फिर स्क्वेयर करेंगे तो रूट से स्क्वेयर जो है कैंसिल हो जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो x - 1 का होल स्क्वेयर + y - 3 का होल स्क्वेयर + z - 4 का होल स्क्वेयर, ठीक है, और इसका भी स्क्वेयर आपको दे रखा है 4, और पी बी की वैल्यू आपको दे रखी है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो x - 1 का होल स्क्वेयर + y - -2 का होल स्क्वेयर हो जाएगा + z - -1 का होल स्क्वेयर हो जाएगा और इसकी पावर 2, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास 9, इसका होल स्क्वेयर ओपन करेंगे तो a² + b² - 2ab, और यहाँ पर भी a² + b² और माइनस का 6y हो जाएगा + a² + b² - 8z हो जाएगा, ठीक है, और = 4 आपके पास एज इट इज, यहाँ भी a² + b² - 2x आ जाएगा, a² + b² + 4y आ जाएगा + a² + b² + 2z आ जाएगा, ठीक है, ये है आपके पास। अब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 9x² + 9 माइनस का ये हो जाएगा 18x + 9y² + 81 माइनस का
54y 9z² प्लस ये हो जाएगा, अगर मैं इन दोनों को पहले ऐड कर लेता तो फिर चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 9 और 5, तो ये आ जाएगा 144, ठीक है, माइनस का 72z इज इक्वल टू 4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 1 इसको डायरेक्ट सोल्व कर लेंगे, 1, 4 और 1, तो ये 5 और ये 6 हो जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4x² माइनस का इसके साथ करेंगे तो 8x प्लस 4y² प्लस का इसके साथ करेंगे तो 16y प्लस 4z² और ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 8z और ये 6 हो गया था तो ये 24 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको पूरी वैल्यू को इस साइड लेके आएंगे तो 9x² प्लस का 9 माइनस का 18x प्लस का 9y² प्लस 81 माइनस का 54y और प्लस 9z² प्लस 144 माइनस का 72z माइनस का 4x² हो जाएगा प्लस का ये हो जाएगा 8x माइनस का 4y² माइनस का 16y माइनस का 4z² और माइनस का 8z और माइनस का 24 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा आपके पास। अब इसको देखो 9x² और ये 5x² बच जाएगा आपके पास, तो 5x² तो आपके पास ये आ जाएगा। अब देखो y² है ये 9 और ये भी 5 बच जाएगा तो प्लस का 5y² हो जाएगा। अब z 9 है और ये 4 है तो ये आपके पास 5z² आ जाएगा प्लस का। और अब देख लेते हैं x वाले स्टेटमेंट, तो ये 18x है और यहाँ पर प्लस का 8x है तो ये माइनस का 10x आ जाएगा। अब y वाली देख लेते हैं, तो ये आपके पास 54 है और यहाँ पर माइनस का ये, तो दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 70 आ जाएगा, 70y, ठीक है। अब z वाली स्टेटमेंट देख लेते हैं, तो z वाली आपके पास ये है और ये है, ये आ जाएगा माइनस का 80z, ठीक है। और अब विदाउट xyz वाली देख लेते हैं, तो 9 है और यहाँ पर 81 है, ये है और माइनस का 24 है, तो 24 इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 120, तो 120 में अगर 9 भी ऐड करेंगे तो 129 और यहाँ पर अगर मैं ऐड कर देता हूँ 81 तो ये आ जाएगा 210 आ जाएगा आपके पास इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको मैं अगर 5 से डिवाइड कर देता हूँ, पूरी इक्वेशन 5 से डिवाइड हो जाएगी तो x² प्लस y² प्लस z² माइनस का 2x माइनस का 7y, ओ सॉरी 5 से डिवाइड करना है तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर बचेगा 4, ठीक है, और माइनस का ये आ जाएगा 5 और 6z, ठीक है, प्लस यहाँ से 5 4 और फिर आ जाएगा 10 42, ठीक है। तो ये आपके पास स्टेटमेंट आ जाएगी, यानी कि यही हमें प्रूफ के दिखाना था कि इक्वेशन ये आएगी इसकी। लेकिन इसके अंदर एक बात और बोल रखी थी आपको, ये बोल रखा है कि वेरीफाई भी हमें करना है। क्या वेरीफाई करना है कि स्पेयर डिवाइड AP इंटरनल और एक्सटर्नल इन द सेम रेशियो, यानी कि सेम रेशियो के अंदर इंटरनली में और एक्सटर्नली के अंदर, इंटरनली के अंदर हम प्लस लेके चलते हैं, एक्सटर्नली के अंदर हम माइनस लेके चलते हैं, तो इंटरनली और एक्सटर्नली के अंदर अगर इसका रेशियो निकालेंगे तो सेम आएगा, तो ये भी हमें शो करके दिखाना है, ठीक है, ये बात क्लियर है। अब मैं इसको इंटरनली और एक्सटर्नली लेके चलता हूँ, तो देखो इंटरनली और एक्सटर्नली में अगर सेम रेशियो आएगा तो क्या आएगा आपके पास, तो उसको पहले हम रेशियो निकालेंगे, क्योंकि रेशियो तो हमारे पास है ही नहीं। अगर रेशियो आ जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, सेम रेशियो में डिवाइड करेगा AB को, तो AB को सेम रेशियो के अंदर डिवाइड करेगा तो आपके पास मान लीजिए ये A है और ये B है, और रेशियो आपके पास है ही नहीं तो K रेशियो 1 मान के चलेंगे हम, ठीक है, ये मान के चलेंगे और ये आ जाएगा xyz, ठीक है, और A की वैल्यू है 1, 3, 4, बी की वैल्यू है 1 माइनस का 2 और माइनस का 1। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो k आ जाएगा, इसके साथ तो प्लस 1 डिवाइड बाई दोनों का सम,
अगर इंटरनली में निकालेंगे तो ठीक है, और y इज इक्वल टू ये आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो माइनस का 2k आ जाएगा, इसकी इसके साथ करेंगे तो प्लस का 3 डिवाइड बाई के प्लस 1 आ जाएगा, और z हम निकालेंगे तो माइनस का k और ये आ जाएगा प्लस का 4 डिवाइड बाई के प्लस 1, यानी कि x y z की वैल्यू आप लोगों के पास है तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस का 2k प्लस का 3 डिवाइड बाई के प्लस 1 और z की वैल्यू माइनस के प्लस 4 डिवाइड बाई के प्लस 1, तो आपके पास वैल्यू है। तो हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी थी, इक्वेशन क्या थी आपकी, इक्वेशन दे रखी थी इसने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और माइनस का था आपके पास 2x प्लस माइनस 14 वाई, 2x माइनस का 14 वाई और माइनस का 16 जेड, और ये था प्लस का 42, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दे रखी थी। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आपके पास है, इसके अंदर पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास रेशियो आ जाएगी, तो एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, प्लस वाई की जगह पर 3 माइनस 2k डिवाइड बाई k प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, प्लस जेड की जगह पर 4 माइनस का k डिवाइड बाई k प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, माइनस 2 इंटू एक्स की जगह पर 1 माइनस का 14 और y की जगह पर 3 माइनस का 2k डिवाइड बाई k प्लस 1 और यहां पर माइनस का 16, z की जगह पर 4 माइनस k डिवाइड बाई k प्लस 1 और प्लस का 42 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब 1 और 42 इनको ऐड करेंगे तो ये 43 हो जाएगा, इसको मैं उस साइड लेके जाता हूँ, ठीक है, बाकी कोई इसी साइड रख लेंगे, तो यहाँ पर देखो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस का 2ab करेंगे तो 12k आ जाएगा और डिवाइड बाई k प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ भी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस का 2ab करेंगे तो 8k आ जाएगा डिवाइड बाई k प्लस 1 का होल स्क्वायर, और देखो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ, इसको और इसको सोल्व करेंगे तो ये 1 बच जाएगा, माइनस का 1 और माइनस का 1 और प्लस का 41 बच जाएगा, ठीक है, उसको हम उस साइड लेके जाएंगे तो अंदर क्या आ जाएगा, माइनस का, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 42 माइनस का 28k डिवाइड बाई k प्लस 1 माइनस का, इसकी भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 माइनस का 16k डिवाइड बाई k प्लस 1 और ये आ जाएगा माइनस का 41 उस साइड जाके, ठीक है। अब इसमें एलसीएम ले लेंगे हम, तो एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर, आपके पास एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो एज इज रहेगा 9 प्लस 4k का स्क्वायर माइनस का 12k प्लस, ये भी एज इज रहेगा 16 प्लस के स्क्वायर माइनस का 8k माइनस k प्लस 1, सी की 1 पावर कैंसिल हो जाएगी तो 1 पावर की मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी कि 42 माइनस 28k इसकी मल्टीप्लाई k प्लस 1 के साथ, माइनस इसकी भी मल्टीप्लाई k प्लस 1 के साथ कर देंगे तो 64 माइनस का 16k और ये आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 41। अब मैं इसको तो उस साइड लेके जाऊंगा तो ये माइनस का मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इन दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो आपके पास क्या आएगा, मैं ऊपर से इसको साफ कर देता हूँ, तो क्या बच जाएगा आपके पास, इसको सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ से के स्क्वायर और 4k स्क्वायर तो ये 5k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 5k स्क्वायर और ये आपके पास माइनस का 20k आ जाएगा और ये आपके पास प्लस का 25 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस है, k की मल्टीप्लाई करेंगे तो 14k माइनस का 28k स्क्वायर, ठीक है, और 1 के साथ करेंगे तो माइनस का 42 और माइनस का 28k। अब k प्लस 1 की इसके साथ करेंगे तो माइनस का साइन एज इज रहेगा तो ये 64k और माइनस का 16k स्क्वायर, 1 की करेंगे तो प्लस का 64 और माइनस का 16k, ठीक है, और इसको मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो माइनस का 41
और अंदर फिर मैं इसकी आइडेंटिटी ओपन कर देता हूँ तो के स्क्वेयर प्लस वन और माइनस का प्लस का टू क्या आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब देखो फाइव के स्क्वेयर एज इज माइनस का 20k प्लस का 24 माइनस, माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो प्लस का के स्क्वेयर और माइनस का 42 प्लस का 28k, माइनस अंदर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा ये 64k प्लस का 16k स्क्वेयर और माइनस का 64 और प्लस का 16k। इसकी भी अंदर मल्टीप्लाई करके अगर मैं इस साइड लेके आऊँगा तो प्लस का तो हो जाएगा 41k स्क्वेयर और प्लस का हो जाएगा 41 और प्लस का ही हो जाएगा ये 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 82k इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं के स्क्वेयर वाली स्टेटमेंट, 5 और ये 33 हो जाएगा, 33 के अंदर अगर मैं इनको ऐड कर लेते हैं सभी को, 33 16 और 16 के बाद है 41, ठीक है, और तो हमारे पास के स्क्वेयर है ही नहीं तो इनको ऐड करेंगे तो ये 10 और यहाँ पर आ जाएगा 789, तो 90 के स्क्वेयर। अब के वाली लिख लेते हैं, तो के वाली आपके पास क्या क्या स्टेटमेंट दे रखी है, तो माइनस का तो 20 है, माइनस का 20 और माइनस का 42 और माइनस माइनस वाले देख लेते हैं, माइनस का 64 और माइनस का ये तो हमारे पास है ही नहीं तो ये तो माइनस की है, इनको ऐड कर लेंगे तो 6 10 12 आ जाएगा। और अब प्लस वाले देख लेते हैं, तो प्लस वाले हमारे पास हैं ये है 28 और प्लस का 16 और प्लस का है 82, इनको भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है, 16 1 और ये 10 11 12 आ जाएगा, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा आपके पास क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है तो के वाली स्टेटमेंट तो आपकी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब देख लेते हैं विदाउट के वाली, तो विदाउट के वाली स्टेटमेंट यानी कि इनको तो मैं पूरे को कैंसिल कर देता हूँ यहाँ से, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब विदाउट के वाली देख लेते हैं, तो 25 और ये 25 प्लस का है तो प्लस वाली साइड लिख लेंगे, माइनस वाली यहाँ पर लिख देंगे और ये है माइनस का 64 और प्लस का है 41, ठीक है, क्लियर है। अब इनको ऐड कर लेंगे तो ये 6 और ये भी 6, इनको ऐड करेंगे तो ये 6 और ये 10, अब ये प्लस की हैं ये माइनस की हैं तो मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ तो माइनस का आपके पास आ जाएगा 0 और 4 40, तो माइनस का 40 इज इक्वल टू 0 ये आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक पता चल गया। अब इसको इस साइड लेके जाएंगे तो के स्क्वेयर इज इक्वल टू प्लस का 40 हो जाएगा, तो के स्क्वेयर इज इक्वल टू 40 बाई 90, 0 से 0 कैंसिल तो के स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 बाई 9 हो जाएगा, दोनों साइड अगर मैं रूट कर देता हूँ तो के की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 2 बाई 3 आ जाएगी, ठीक है, तो के की वैल्यू यहाँ से 2 बाई 3 आ जाएगी हमारी। वो बोल क्या रखा था कि शो वेरीफाई करके दिखाइए कि ए पी जो है वो इंटरनली और एक्सटर्नली सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, अगर के की वैल्यू हमारे पास यहाँ से नहीं निकलती तो फिर ये सेम रेशियो में डिवाइड नहीं करता, अब सेम रेशियो में वैल्यू आई है तो इसका मतलब वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। अगर आप चेक करना चाहो तो चेक भी कर सकते हो, रेशियो 2/3 लेके चलेंगे हम, ठीक है, जहाँ पर हमने ए और बी लिया था यहाँ पर 2/3 रेशियो लेके चलेंगे और फिर इंटरनली और एक्सटर्नली निकाल के देखेंगे, इंटरनली और एक्सटर्नली क्या होगा, ये दोनों वैल्यू सेम आएंगे हमारी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका, जो इसका फोर्थ क्वेश्चन था, ठीक है, तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा हर लेक्चर के अंदर, फिर उसको मर्ज करके एक पूरा लेक्चर जो है तैयार कर लेंगे, ठीक है, तब तक आप एक एक क्वेश्चन करके हर क्वेश्चन को सोल्व आउट करके देख लेना, ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, थैंक यू।